की सबसे बड़ी खबर, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने पर कांग्रेस में महाभारत छिड़ गई है। राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने महाभियोग का जो नोटिस राज्यसभा के उपसभापति को दिया है, उस महाभियोग के विरोध में कांग्रेस सहित विपक्ष के कई बड़े नेता खुलकर खड़े हो गए हैं। देश के तीन तीन पूर्व कानून मंत्रियों ने महाभियोग पर सवाल खड़ा कर दिया है। We have moved a motion for impeachment for the removal of Chief Justice of India. सारी परिस्थितियों का आकलन लेते हुए अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं महाभियोग के प्रस्ताव का विरोध करता। Disagreements can happen, but questioning the bona fides and questioning the honesty and integrity, no question. Anyone who wears the gown and anyone who wears bands, I believe would not do this. सिर मुड़ाते ही कांग्रेस पर ओले पड़ गए। दो दो पूर्व कानून मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाना ठीक नहीं है। यानी सात सात दलों को साथ लेकर जिस प्रस्ताव के साथ कांग्रेस कल उपराष्ट्रपति के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उस प्रस्ताव पर कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। सबसे पहले सुनिए सीनियर एडवोकेट और कानून के जानकार अश्विनी कुमार और सलमान खुर्शीद क्यों महाभियोग प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। संसद और न्यायपालिका बीच के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को अपने आप को सुधारना है, ये बात अपनी जगह सत्य है, मगर क्या महाभियोग के रास्ते से ही उन जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव अगर अवॉइड हो जाता तो बेहतर होता। आज ये बहुत दुख भरा दिन है। कोई निर्णय आ जाए, वो आपको पसंद ना आए, उसको लेकर आप ऐसी चर्चा करें कि कोर्ट का विरोध है या कोर्ट का विरोध करने कोई जा रहा है, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसको स्वीकार करना होता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले दलों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ पांच आधार गिनाए हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महाभियोग लाने का फिट मामला है। इम्पीचमेंट इज टू सीरियस अ मैटर टू बी प्लेड विद फ्रिवोलसली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट विद एनी जजमेंट और विद एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्ट। आई एम नॉट पार्टी टू द डिस्कशंस दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। गिनते जाइए, महाभियोग के प्रस्ताव का समर्थन न करने की कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होड़ मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं। कानून के जानकार और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्ताव पर दस्तखत तो किए, लेकिन यह भी कह दिया कि वो महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान किया। मैं खुद इसके स्टेज कब होनी चाहिए, स्टेज के आधार पर मैं इसका विरोध भी कर रहा था, लेकिन एक वफादार पार्टी के सोल्जर की हैसियत से मैंने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। टीएमसी, डीएमके और आरजेडी जैसे कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। महाभियोग प्रस्ताव का विरोध एक और पूर्व कानून मंत्री ने किया है। देश के सबसे सीनियर वकील राम जेठमलानी ने महाभियोग लाने वालों की कानून की समझ पर सवाल उठा दिए। ये जो पार्टी कर रही है काम, ये बिल्कुल बेकायदे है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और ये देखने में ऐसा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही नहीं है। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं जा सका है। अब तक जो भी ऐसे प्रस्ताव आए उनमें या तो कार्यवाही कभी पूरी ही नहीं हो सकी, या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला, या फिर जजों ने कार्यवाही से पहले इस्तीफा दे दिया। अब कई सालों बाद एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव आया है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को तय करना है कि वो विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या खारिज करते हैं। आशीष कुमार सिंह और देवेंद्र पराशर के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।